रहे हैं कि हम मऊ में हैं, एक महा रैली शुरू होने जा रही है। मऊ के बीटी स्थान है वहाँ पे, जिसके जो नेतृत्व में ये महारैली रखी गई है वो अभाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो जिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं ओपी चंद्रा जी, उनके अधीन में ये महारैली का आयोजन किया गया है। अभी तो हम महारैली के ग्राउंड, जो जहाँ पे महारैली होने जा रही है उस ग्राउंड से हम कम से कम 6 किलोमीटर दूर हैं। वहीं से जमावड़ा स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि दिखा रहे हैं कैमरे के माध्यम से कि ये जो भीड़ जुटी है उनके ओपी चंद्रा जी के नेतृत्व में, वो उनका स्वागत करने के लिए दल बल के साथ में ये समर्थक इकट्ठे हुए हैं। अभी और भी जानकारी के लिए खुद ओपी चंद्रा जी से हम बात करेंगे। सर, आपके समर्थक यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, और जबकि जब रैली है अभी 7 किलोमीटर दूर है अभी। हेलो, सर्वप्रथम समस्त जनपद वासियों को और राष्ट्रीय महारैली में प्रतिभाग करने वाले हमारे नौजवान साथियों, अभाजपा के पदाधिकारियों, बीएसटी के पदाधिकारियों, एडिडासा के पदाधिकारियों, समाज सेवियों और नौजवान छात्रों, आप सभी को सहृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए, कोट कोट साधुवाद देते हुए नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ कि आज मऊ के जनपद मऊ के ग्राउंड जीवन राम इंटर कॉलेज छात्रावास के मैदान में, निकट डिग्री कॉलेज के बगल के ग्राउंड पर लाखों लाख के जनसैलाब में उपस्थित होकर के राष्ट्रीय महारैली को सफल बनाने में आप लोग अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, इसलिए आपको कोट कोट साधुवाद देता हूँ। मैं ओपी चंद्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष मऊ, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली, और वरिष्ठ शिक्षक प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ सामाजिक चिंतक आप सभी लोगों का वेलकम करते हुए, स्वागत करते हुए कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए बार बार बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, आपके बीच में समता टीवी आवाज़, बुद्धा टीवी आवाज़ चैनल, जो 18 देशों के चैनल पर आपके कार्यक्रम को टेलीस्काम करेंगे, दिखाएंगे आपके टेलीस्काम को करने के लिए, या ऑफिसर्स कॉलोनी भुजौटी पर स्वागत कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारे प्रतिभागियों का स्कैन करने के लिए आप आए हुए हैं। संतोष भाई, समता टीवी आवाज़ संवाददाता नई दिल्ली, संतोष जी लॉर्ड बुद्धा टीवी आवाज़ वाराणसी। तो जैसे कि दिखा रहे हैं कि जो ओपी चंद्रा जी है, जिसके नेतृत्व में ये महारैली रखी गई है, वो उनके समर्थक आ चुके हैं। जैसे कि मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो पीछे तक दिखाए, काफ़ी जमावड़ा लगा हुआ है। अभी तो हाईवे रोड से थोड़ा अलग है, इसलिए कि हाईवे रोड पे कहीं जाम ना लग जाए। तो हम अभी आगे के कार्यक्रम को और भी दिखाना चाहेंगे कि वो ग्राउंड में जाएँ और देखें कि वहाँ पर कितने की जमावड़ा, जबकि 50,000 लोगों का वहाँ पर बंदोबस्त किया गया है, बैठने का और सब कुछ सारा व्यवस्था किया गया है 50,000 लोगों का। और कुछ कहना चाहेंगे? यह राष्ट्रीय महारैली कराने का मुख्य उद्देश्य हमारा डॉक्टर अंबेडकर मिशन बढ़ाओ, आरक्षण बचाओ, संविधान जो हमारा खतरे में है उसको सुरक्षित करने के लिए पूरे जिले नहीं, प्रदेश देश में यह आवाज़ बुलंद की जा रही है। बाबा साहब के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिशन को बढ़ाना है हमारा लक्ष्य है, और हमारे 85% मूल निवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार और शोषण को रोकने के लिए एक आवाज़ हम उठा रहे हैं। और यह बौद्धिक संगठन है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, हम अपनी सीमा में रहते हुए इस राष्ट्रीय महारैली को सफल रूप से संपादित करेंगे। सभी लोगों से मेरा अपील है, निवेदन है कि आप किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होने देंगे, और बौद्धिक लोग बौद्ध शासक राष्ट्र के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देने का काम करेंगे। हमारा कार्यक्रम स्थल 5-7 किलोमीटर के दूरी पर है, यहाँ से हम वहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं, जहाँ लक्ष्य हमारा है कि 50,000 जन समूह इस रैली में प्रतिभाग करने के लिए आने वाला है। आप सभी लोगों को कोट कोट साधुवाद देते हुए नमो बुद्धाय जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय समाजवाद। जिंदाबाद।
Thank you.